हरे कृष्णा। अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 29 पर विचार करेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ। न मे द्वेष्योऽस्ति, ना तो मेरे कोई द्वेष का पात्र है और ना ही प्रिय है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के प्रति वे समान हैं। क्यों? क्योंकि सब प्राणियों के पिता अहम बीज प्रधा पिता सर्व योनिषु, सभी योनियों में तो मनुष्य और है, मनुष्य पशु पक्षी सब श्री कृष्ण को समान है। ये भजन दे तो माम भक्त है, किंतु एक दृष्टि में ही श्री कृष्ण क्या करते हैं, पक्ष लेते हैं। वो क्या है, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं। मई ते सुचाप्य हम, तो वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि जब श्री कृष्ण का सबों के लिए संभव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर उन भक्तों में वे विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु ये भेदभाव नहीं है, ये तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपने संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उसका पुत्र है, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे ये वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर श्री कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मैते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे ये यथा माम प्रबद्यन्ते ताम तथा भजाम्यहम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। ये दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने के अंगूठे में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः ये दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और व्यक्ति इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वो अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। ये भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। ये तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, ये तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले दो श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि हम अपने कर्म, अपना भोजन, अपनी पूजा, अपना दान
और अपनी तपस्या श्री कृष्ण को अर्पित करें तो हमें श्री कृष्ण अपने धाम में अपने समीप रखेंगे। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई कि श्री कृष्ण ये बात क्या सभी जीवों के लिए कह रहे हैं अथवा कोई कोई जीव उन्हें विशेष प्रिय है उस जीव के लिए कह रहे हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं, अतः जो भी जीव उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलेगा उसे वे अपने समीप रखेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, समा अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः, अर्थात मैं सभी जीवों के प्रति समान हूँ, ना तो कोई मुझे अप्रिय है तथा ना ही कोई प्रिय है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं, इसका अर्थ है कि वे इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों में से किसी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं तथा ना ही किसी जीव से द्वेषी करते हैं। गीता 5:29 में वे कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सभी जीवों का सुहृद समझ लेता है उसे शांति प्राप्त होती है। उस समय श्री कृष्ण ये नहीं कहा कि वे किसी विशेष जीव के सुहृद हैं तथा कुछ जीवों के शत्रु हैं। यद्यपि इस भौतिक सृष्टि में असंख्य जीव हैं परंतु श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होकर यही आशा करते हैं कि जिस समय यह जीव इस बात को समझेगा कि इस भौतिक संसार में सुख नहीं है उसी समय वे उसके हृदय के अंदर से ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करेंगे कि वह किसी साधु से मिले ताकि उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो। श्री कृष्ण किसी भी जीव के प्रति ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये जीव कभी श्री कृष्ण को ना प्राप्त करे तथा ये जीव सदा इस भौतिक संसार में सड़ता रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं। गीता 14:4 में वे कहते हैं कि समस्त जीवों को भौतिक प्रकृति के द्वारा जन्म प्राप्त होता है परंतु श्री कृष्ण ही सभी जीवों के पिता हैं क्योंकि वे ही भौतिक प्रकृति को बीज प्रदान करते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अभी तो प्रत्येक लोक में यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्म आसीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं। गीता 15:7 में वे कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से अंश सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव को आत्मा के रूप में एक व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है तथा सूक्ष्म स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के ही समान सनातन होता है इति। श्रील प्रभुपाद के इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के प्रति समान हैं। उन्होंने सभी जीवों को समान रूप से कुछ स्वतंत्रता दी है तथा जो भी जीव उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है वो इस भौतिक जगत में बद्ध बनता है। ऐसी बात नहीं है कि श्री कृष्ण ने किसी भी जीव को कुछ विशेष छूट दी हो कि वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे परंतु फिर भी वो इस संसार में बद्ध ना हो। अथवा ऐसा भी नहीं है कि श्री कृष्ण किसी जीव से द्वेष करते हों कि वह जीव अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करे परंतु फिर भी वह मुक्त ना हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं। दिनांक 24 अप्रैल 1975 को वृंदावन में श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में कहा था कि यदि हमारी उंगली में थोड़ा दर्द होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ क्योंकि इस उंगली के साथ हमारा गहरा संबंध है। उसी प्रकार हमारा पतन हो गया है
इसलिए श्री कृष्ण को थोड़ा कष्ट होता है और वे इस धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है तो आप कृष्ण भावना भावित बनिए, तब श्री कृष्ण को आनंद मिलेगा। श्रीला प्रभुपाद की इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के लिए उसी प्रकार संवेदनशील हैं जिस प्रकार हमारी उंगली में कुछ चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि कुछ जीवों के पतन से श्री कृष्ण को कोई संवेदना नहीं होती है। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के लिए संवेदनशील हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं। समझने की बात यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण सभी जीवों के प्रति समान हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का नाम भी सभी जीवों के प्रति समान है। भागवत 6:2:18 में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में जो भी ईंधन आता है वो जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का नाम भी जाने या अनजाने में उच्चारण करने पर व्यक्ति के पापों को जला डालता है। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार अग्नि किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करती है, अग्नि के संपर्क में जो भी ईंधन आता है वो तुरंत जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का नाम भी जानकर बोला जाए या अनजान में बोला जाए व्यक्ति के पापों को जला डालता है। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैं तेषु च अपि अहम्, अर्थात किंतु जो लोग मेरा भक्तिपूर्वक भजन करते हैं वे मेरे हैं तथा मैं उनका हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु। किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात से कुछ अन्य बात कही जाती है। उसके पूर्व श्री कृष्ण ने कहा था कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं, कोई भी जीव उनके लिए अप्रिय अथवा प्रिय नहीं है। अब श्री कृष्ण किंतु शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि एक ही ऐसा कारण है जैसे श्री कृष्ण के लिए कोई जीव प्रिय होता है। वो कारण क्या है? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक भजन करते हैं वे श्री कृष्ण के हैं तथा श्री कृष्ण उनके हैं। तो श्री कृष्ण और किसी कारण से पक्षपात नहीं करते हैं। इस भौतिक संसार में अनेक कारणों से पक्षपात होता है। कोई गोरे का पक्ष लेता है तो काले से द्वेष करता है, कोई भारतीय का पक्ष लेता है तो विदेशी से द्वेष करता है, कोई जन्म के आधार पर किसी का पक्ष लेता है, कोई धन के आधार पर किसी का पक्ष लेता है, कोई गांव के आधार पर किसी का पक्ष लेता है, परंतु श्री कृष्ण इन सभी बातों में किसी के भी आधार पर किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं। श्री कृष्ण केवल एक ही आधार पर किसी का पक्ष लेते हैं तथा वह है भक्ति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक भजन करते हैं श्री कृष्ण उनके हैं तथा वे श्री कृष्ण के हैं। यहाँ पर भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो भक्तिपूर्वक भजन करने का अर्थ है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक भजन करते हैं वे श्री कृष्ण को प्रिय हैं तथा श्री कृष्ण उन्हें प्रिय हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक भजन करते हैं वे श्री कृष्ण को प्रिय हैं तथा श्री कृष्ण उन्हें प्रिय हैं। तो इसमें कोई पक्षपात की बात भी नहीं है। यदि कोई श्री कृष्ण का प्रिय बनना चाहता है तो उसके लिए श्री कृष्ण की ओर से भक्ति का द्वार खुला है। श्री कृष्ण सभी जीवों के पिता हैं, अतः श्री कृष्ण सभी जीवों का पालन करते हैं। जो जीव श्री कृष्ण के विरोधी हैं श्री कृष्ण उनका भी पालन करते हैं। परंतु जिस प्रकार पिता यद्यपि अपने सभी पुत्रों पर समान रूप से स्नेहिल होता है परंतु वह अपने उस पुत्र पर विशेष स्नेह प्रदर्शित करता है जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है तथा अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण यद्यपि सभी जीवों के प्रति समान रूप से दयालु हैं परंतु जो जीव श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं श्री कृष्ण यदि उनसे विशेष प्रेम करें तो इसमें पक्षपात की क्या बात है? ये तो स्वाभाविक है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रायः ये दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और व्यक्ति इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है
वो अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है, ये भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए, ये तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, ये तो उस आध्यात्मिक जगत का कार्य है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान की प्रधानता रहती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण में हैं तथा श्री कृष्ण उनमें हैं। इसका अर्थ यह है कि वे श्री कृष्ण के हृदय में हैं तथा श्री कृष्ण उनके हृदय में हैं। वे श्री कृष्ण के हृदय में हैं, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के सिवा कुछ नहीं जानते हैं तथा श्री कृष्ण उनके हृदय में हैं, इसका अर्थ है कि वे भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं। यदि भक्त को कुछ कष्ट होता है तो श्री कृष्ण को कष्ट होता है तथा यदि भक्त को सुख मिलता है तो श्री कृष्ण को सुख मिलता है। श्री कृष्ण भागवत 9.4.65 में कहते हैं कि जो भक्त अपनी पत्नी, घर, बच्चों, संबंधियों, धन तथा अपने जीवन को भी मेरी सेवा में समर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्तों को मैं किस प्रकार छोड़ सकता हूँ। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण का भजन भक्तिपूर्वक करते हैं वे श्री कृष्ण को प्रिय हैं। भागवत 9.4.66 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सती स्त्रियाँ अपने भद्रपतियों को अपने सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार मेरे शुद्ध भक्त अपनी भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। भागवत 9.4.63 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हैं, निस्संदेह वे तनिक भी स्वतंत्र नहीं हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदयों में निवास करते हैं तथा श्री कृष्ण भी अपने भक्तों को प्रिय हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष जिसमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी सम्मिलित हैं पूर्णतः भगवान के वशीभूत हैं, किंतु भगवान भी पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों की इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहने और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आमिता सकल भूते देखी समय भाव नहे के है प्रिय मोरे द्वेष वा प्रभाव किंतु से भजे मोरे भक्ति युक्त हई से आमाते आमिता ते आसक्त ये रही। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं से आमाते आमिताते आसक्ति आसक्त ये रही, अर्थात हे अर्जुन मेरे भक्त मुझ में रहते हैं तथा मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति ना प्रियः, कि सब प्राणियों के प्रति वे समान हैं। तो श्री कृष्ण में ये समता का गुण है, लेकिन फिर ये भजन्ति तु माम भक्त्या, किंतु जो मेरे मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं भक्ति के साथ, तो यहाँ पर जो है यही केवल विशेष बात है कि श्री कृष्ण भक्ति के वशीभूत हैं और श्री कृष्ण भक्ति के इतने वशीभूत हैं कि वे अपने भक्तों से हमेशा पराजित होते हैं। तो श्री कृष्ण का जो है ये बहुत बड़ा गुण है और ये बहुत बड़ा रहस्य है, कोई अगर जान ले तो इस लाभ उठा सकता है, इस रहस्य का लाभ उठा सकता है। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों के फिर इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वे फिर उसी व्यक्ति को जो है प्रेम करते हैं, उसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो व्यक्ति उनके भक्त से प्रेम करता है, और जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्त से द्वेष करता है तो फिर श्री कृष्ण उसको भी अपना शत्रु मानते हैं।
तो जैसे अर्जुन, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण यही कहा था कि अर्जुन से जो प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, अर्जुन से जो द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, है ना। तो इस तरह से श्री कृष्ण अपने भक्तों के वशीभूत होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।